अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर, एंड इफ़ यू विल लाइक माई लेक्चर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। लेक्चर इज़ ऑन सॉइल पोल्यूशन एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रेजेंटेशन। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच सर्व एज अ मीडियम टू सपोर्ट प्लांट्स। सॉइल जो होती है मेन जो होती है अपर लेयर होती है जहाँ पे पेड़ पौधे दरख्त भी और पौधे भी छोटे उगते हैं, मतलब जो सॉइल होती है वो हमारी रूट्स को होल्ड करके रखती है। मेन मीडियम होती है जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल होती है जहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं, मतलब अपर लेयर जो होती है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है और मेन मीडियम होती है प्लांट की सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मेन जो टॉपिक को देखा जाए सॉइल पोल्यूशन, तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल थ्रू मेन अट्रैक्शन रिजल्टिंग इन द डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। सॉइल पोल्यूशन किस वजह से होती है? फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल जो है मेंस की अट्रैक्शन की वजह से भी होती है, जिसकी वजह से डिग्रेड हो जाती है सॉइल की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर देखा जाए तो काजेज क्या होती हैं सॉइल की पोल्यूशन की, और सबसे बड़ा जो मेन कॉज है सॉइल पोल्यूशन की वो है डिफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़। बहुत से एरियाज़ में देखा जाए तो दरख्तों को काटा जाता है, वुड के यूज़ के लिए लेके जाते हैं, बाकी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी, फर्नीचर वगैरह के बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है, और इसके अलावा लूज़ कर दे, इट लूजेज द सॉइल, सॉइल इसकी वजह से लूज़ हो जाती है। एंड मेजर कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, इवन इन्वायरमेंट के लिए भी ये बिल्कुल सही नहीं होता कि डिफरेंट गारबेज वगैरह होता है जो नॉन रीयूजेबल होता है सॉइल की पोल्यूशन का कॉज बनता है। और टॉक्सिक फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड की बात करें तो फार्मर्स जो होते हैं पॉपुलेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल ग्रो करने की कोशिश करते हैं ताकि पॉपुलेशन को जो है ना सर्व किया जा सके, जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उनको प्रॉपरली सर्व किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल ग्रो करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे? वो नेचुरल तो ग्रो करते नहीं, आर्टिफिशियल यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी वेजिटेबल, टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स और डिफरेंट ट्यूबर्स वगैरह जो होती हैं वो सारी ग्रो होती हैं, जल्दी से वो ग्रो करते हैं यूरिया के थ्रू। इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है हमारे ह्यूमन हेल्थ पे भी होता है, और मेन कॉज जो है सॉइल की पोल्यूशन का कॉज बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास, मेन कॉज क्या है? इरीगेशन, फसलों को पानी दिया जाता है। लेकिन एक होती है ओवर वाटरिंग, ओवर इरीगेशन जाती है जो कॉज करती है वाटर लॉगिंग, और वाटर लॉगिंग अगर हो जाएगी तो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द सॉइल, सॉइल जो है तो वो ग्रोथ स्टॉप कर देगी, क्लॉग हो जाएगी द कम्पैक्ट, उसकी एयर नहीं, एयर का पैसेज नहीं होगा तो उधर क्लॉगेशन हो जाएगी, देन हमारी सॉइल जो है ना कम्पैक्ट हार्ड बन जाएगी और बैरन हो जाएगी, मतलब बंजर हो जाएगी हमारी सॉइल। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास माइनिंग एंड सॉइल इरोजन का। माइनिंग क्या होता है? बेसिकली कीमती जो हमारे पास मादनियात होती हैं जो मशीनरी के थ्रू उनको निकाला जाता है, तो उसकी वजह से सॉइल हमारी मिक्सअप हो जाती है, जिसका क्या इफ़ेक्ट होता है? सॉइल इरोजन हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी और सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर मिक्सअप हो जाएगा, और उन दोनों की कंटेमिनेशन हो जाएगी, सॉइल मतलब गंदा हो जाएगा, दोनों वाटर आपस में मिक्स होंगे। इसके अलावा जो हमारी टॉप ऊपर जो सॉइल क्रस्ट होगी तो वो भी डैमेज हो जाएगी, इरोजन कॉज हो जाएगी उसमें। और सॉइल इरोजन होता क्या है? जब डिप्लीशन वॉश आउट हो जाते हैं, जो अपर सरफेस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो इस चीज़ को सॉइल इरोजन कहते हैं। डिप्लीशन ऑफ सॉइल पार्टिकल वॉशिंग आउट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, यही जो ऊपर से न्यूट्रिएंट्स जो वॉश आउट हो जाते हैं तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं, सॉइल इरोजन के कॉज होते हैं वो। नेक्स्ट है हमारे पास कि इम्पैक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट है हमारे पास क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज में लॉस ऑफ इकोसिस्टम होगा। सबसे पहले अगर ग्रीनरी है तो ग्रीनरी डिफरेंट, अगर हम लोग दरख्त काटेंगे तो ग्रीनरी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल बंजर हो जाएगी, बहरन हो जाएगी, तो ये क्लाइमेटिक चेंज होगा, इकोसिस्टम हमारी लॉस हो जाएगी, कंटेमिनेशन ऑफ सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर ड्रिंकिंग होगी, ये भी जो है क्लाइमेट का बहुत बड़ा चेंज होगा।
इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ में इफ़ेक्ट होगी, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि फार्मर्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम लोग पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफ़िल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो वेजिटेबल्स को ग्रो करें, कोशिश करते हैं केमिकल जो होते हैं यूरियाज वगैरह का इस्तेमाल करके, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी वेजिटेबल्स को ग्रो करें और पॉपुलेशन तक पहुँचा सकें। तो वो जो यूरिया होगी तो डायरेक्टली हम लोग ही यूज़ करेंगे तो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होंगे, जिसकी वजह से हमें कैंसर और रेस्पिरेटरी डिजीज़ अकर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, द रेशो ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब इम्बैलेंस हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग में जो है टम्परेचर, या तो टम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, या तो ज़्यादा बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, या तो ज़्यादा टाइम सर्दी रहेगी, तो ये जो है ना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसकी ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट है हमारे पास के रेमेडीज़ क्या हैं कि सोइल पोल्यूशन को कम करने के लिए रेमेडीज़ क्या इस्तेमाल हो सकती हैं। तो सबसे पहले कि अवेयरनेस अमंग पीपल टू री यूज़ और रिसाइकल द प्रोडक्ट, इसमें आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट यूज़ किए जाएं जो कि रिसाइकल हो सकें। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ़ ये जो प्लास्टिक शॉपर्स होते हैं, इनकी बजाय हम लोग अगर क्लॉथ की बैग, शॉपिंग बैग वगैरह इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे हमारी सॉइल की पोल्यूशन कम हो जाएगी। इसके अलावा रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए बोटल्स वगैरह का, गार्बेज डिस्पोजल, ग्लास, प्लास्टिक एंड पेपर, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट, इनको गार्बेज में डाला जाए। देन है अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से बचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएँ, और यूज़ ऑफ़ नेचुरल फर्टिलाइज़र इंस्टेड ऑफ़ यूरिया, केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में इनबॉक्स कीजिएगा।